गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलो आज आओ आदमी की वास्तविकता पर विचार करें और उसी के साथ अपनी वास्तविकता पर भी विचार करें, दोनों की तुलना करके देखें, तुलना करके तो बात कुछ बने। आओ मिलकर के विचार करते हैं। कोरी कल्पना या हवाई उड़ान मान करके जीवन को जीने के वाला जीवन के सत्य स्वरूप को नहीं समझ सकता। बहुत अच्छे से इस बात को समझने की आवश्यकता है कि सत्य स्वरूप की ओर से हमने आंख बंद करके रखी हुई है। सारस्वत शक्ति से संबंधित होने के कारण विचार की शक्ति ही संसार की वास्तविक शक्ति है। विचार से ही संसार क्रियाशील होता है। बहुत पहले प्रवचन जब अनुष्ठान जब शुरू किया गया था तब एक ही बात पर जोर दिया गया था और ये कहा गया था कि साधना स्थूल की नहीं सूक्ष्म की है और ये जो पूरी होगी ये और किसी से पूरी किसी तरह पूरी नहीं होगी, दिखावा बन करके रह जाएगी। अगर ये पूरी होगी तो संकल्प से पूरी होगी। जिसके अंदर संकल्प जगेगा, फिर दोबारा से कहता हूं, विचारों में बुराई आ गई है, जब मुझे मेरी बुराई दिखाई देगी तो मेरे अंदर से संकल्प उठेगा और उस बुराई को मिटाने का प्रयत्न करेगा। आज आवश्यकता उसी संकल्प की है कि वो संकल्प हमारे अंदर उठे। सूक्ष्म शरीर यानी कि जो विचार जिसमें उठते हैं उस विचार शरीर की ही प्रधानता है। आप अपने वास्तविक जीवन को अगर देखना चाहते हैं तो और कुछ नहीं है, विचार ही आपका वास्तविक जीवन है। जब आप अपने विचारों का पोषण शब्द लगा रहा हूं, पोषण करते हुए चले जाएंगे तो वास्तविक प्रबल सूक्ष्म महान शक्ति को आप जिसको माना गया है उसको आप अपने विचारों में पाएंगे। सोचो जो भी बोला गया है, और कोई रास्ता मुझे तो नजर आता नहीं है। परमात्मा के समीप हम जितने पहुंचते हैं उतनी ही श्रेष्ठताएं अपने अंतःकरण के अंदर प्रकट होने लग जाती हैं और उसी अनुपात में हमारा आंतरिक स्वरूप उतनी ही शांति को पाता है। इसी को उपासना कहते हैं। अगर हम उपासना कर रहे हैं, मैं फिर से पूछ रहा हूं, बच्चा पहली क्लास से पढ़ना शुरू करता है, भाई एमए तक की एमएससी तक की तो पढ़ाई चलती ही चलती है परंतु उससे आगे भी विशेष डिग्रियां ली जाती हैं। पर मैं एक बात पूछ रहा हूं, क्या वो जो कैख है गैगे की पढ़ाई पढ़ी थी, जब तक आप उसको पढ़ेंगे तब तक उसका सहारा आपको लेना ही पड़ेगा।
उच्च स्तर की शिक्षा तो आपने प्राप्त करना शुरू कर दिया, परंतु नीचे वाले स्तर को क्या आप नकार देंगे? उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अरे उपासना आपने शुरू की, माध्यम बनाया जप को, परंतु मैं ये कह रहा हूं आप चाहे कितनी ऊंची स्थिति में पहुंच जाएं, क्या जप को छोड़ देंगे? और ऊंची स्थिति जो है वो हमारे विचार में है। जिस जप को आप कर रहे हैं उसके अंदर जो आप कह रहे हैं भर्गो देवस्य धीमहि, मेरा विचार उस प्रकाश से ओतप्रोत हो जाए, जो परमात्मा का प्रकाश है। आत्मा को परमात्मा के निकट पहुंचाने की बात तभी बनती है, और वो ऐसे बनती है जैसे गर्म लोहे के साथ किसी ठंडे लोहे को जोड़ दिया जाए, तो गर्म लोहे की गर्मी ठंडे लोहे में चली जाती है और ठंडा लोहा भी धीरे धीरे करके गर्म होने लग जाता है। इसको ठीक ऐसा समझना जैसे दो तालाबों को जोड़ देते हैं, ऊंचाई वाले का पानी नीचे वाले में अपने आप जाने लग जाता है और तब तक जाता है जब तक दोनों का लेवल एक ना हो जाए। सूरज तपता है, जब तपन एक जगह पर बढ़ने लग जाती है, वहां की हवा गर्म होती है और गर्म हो करके जो भारी हवा है वो उसके स्थान को ले लेती है, क्योंकि उसका वजन ज्यादा है और उसका वजन कम है। तो ज्यादा वजन वाली वायु कम वजन वाली वायु को धकेल देती है और कम वजन वाली वायु ऊपर उठ जाती है और अधिक वजन वाली वायु वहां पर आकर के अपनी नमी को बरसात के रूप में बखेरने लग जाती है। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। चलिए गर्मी की बात नहीं कर रहे, दो बर्तनों में पानी भरा है, एक बर्तन में हमने चीनी डाल दी और दूसरे बर्तन में नहीं डाली और दोनों बर्तनों को जोड़ दिया, तो जिसमें आपने चीनी घोली है उस जुड़ने वाले साधन के द्वारा वो साधन अपना काम कर देगा। बराबर 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 एक प्रवाह चीनी का उस तरफ दौड़ता चला जाएगा जिधर चीनी की कमी है, और तब तक दौड़ेगा जब तक दोनों एक ना हो जाएं। उपासना इसी का ही नाम है। अब इसी से पता लगता है किसकी उपासना सच्ची है और किसकी उपासना झूठी है। अगर उपासना का माध्यम बना करके आपने भगवान के साथ अपने आप को जोड़ लिया तो परमात्मा के गुण आत्मा में अपने आप प्रवाहित होना शुरू हो जाएंगे, और उसका एक प्रभाव है आपको सहजता शांति प्रफुल्लता
गुण के रूप में मिलेगी और आप उसको अनुभव करेंगे। ये उसका सहज तरीका है। जब व्यक्ति के अंदर सहजता आने लग जाए तो मान लेना कि भगवान हमारी पूजा के अंदर आने लग गया। ये प्रक्रिया है। मैंने अभी कहा साधक की उपासना की जो कसौटी है वो संतोष है, प्रफुल्लता है, आशा है, विश्वास है, सद्भावना है। ये गुण जब व्यक्ति के अंदर जितनी मात्रा में पैदा होने लग जाते हैं उतना ही अवतरण भगवान का हो जाता है। अगर ये पैदा नहीं हुए हैं तो आपकी साधना जुड़ी नहीं है। व्यक्ति पूजा पाठ कितना ही करता रहे परंतु वो उपासना से दूर है। आत्मा जब परमात्मा की गोदी में बैठती है उसे प्रभु की सहज करुणा और अनुकंपा का लाभ मिलता जाता है। उसे तुरंत निर्भयता निश्चिंतता प्राप्त होती है। हानि घाटा रोग शोक बिछोह चिंता असफलता और विरोध की विभिन्न स्थितियां जिनमें जीव पड़ा हुआ है वो मिटती नहीं है परंतु उसको विचलित नहीं कर पाती हैं। उसको विचलित नहीं कर पाती हैं ध्यान दे लेना जो बोल रहा हूं। किसी भी स्तर पर कोई भी बुराई टक्कर मार करके चली जाती है पर वो गुणों के अंदर या विशेषताओं के अंदर प्रकट नहीं हो पाती। आवश्यकता विचलित होने की नहीं है, जमाने की है अपने आप को। इन प्रतिकूलताओं में अपने हित साधन का विधान छिपा हुआ है जो वस्तुतः है विपिन्नता के दुर्गुण के कारण हमारे गुण में प्रकट नहीं होता है। त्रुटियों का शोधन हमको करना पड़ेगा, पुरुषार्थ को बढ़ाना पड़ेगा, आलस्य प्रमाद और अहंकार को त्यागना होगा। आलस्य मद मत्सर और अहंकार ये चार बहुत बड़े पाप हैं जो हमारी मनोभूमि को हमेशा पतन की तरफ ही ले जाते हैं। सच्चे आस्तिक को अपने प्रिय परमेश्वर पर सच्ची आस्था होनी चाहिए और अनुकूलताओं की तरह प्रतिकूलताओं का भी खुले हृदय से स्वागत करना चाहिए। अपनी कठिनाइयों को हल करने मात्र के लिए अपनी सुविधाएं बढ़ाने की लालसा जो पूजा पाठ के माध्यम से हम ईश्वर से मांगते रहते हैं उसको उपासना नहीं मानना चाहिए। उपासना के तत्व ज्ञान को समझना चाहिए। उन्हें उन बालकों में गिना जाना चाहिए जो प्रसाद के लालच में मंदिर जाते हैं। वो मंदिर नहीं जाते हैं, प्रसाद के लालच में मंदिर जाते हैं। ऐसे ही पूजा पाठ भी करने वाले भगवान के में अपने लालच को देखते हैं और या किसी डर के कारण देखते हैं। मैं मना कर रहा हूं
आनंद भक्ति रस में है, आनंद भक्ति रस में है, इसलिए भक्ति के रस को जब तक भक्त पैदा नहीं करेगा और वो तब तक नहीं होगा जब तक आपके हृदय का जुड़ाव परमात्मा के साथ नहीं होगा। भावनाशील व्यक्ति ही प्रभु को अपने सम्मुख हृदय खोलने में, मस्तिष्क को झुकाने में महसूस करता है। भावनाशील व्यक्ति, सहृदय व्यक्ति, वरना उस बच्चे की तरह से जो मंदिर केवल प्रसाद के लालच में जाता है उसकी स्थिति वैसी ही बनी रहती है। प्रभु के प्रति भाव विभोर भक्त और प्रसाद की मिठाई लेने के उद्देश्य से खड़े हुए भिखमंगे में जो अंतर है, वही सच्चे और झूठे उपासक में भी अंतर पाया जाता है। उसी के आधार पर उनको उनका मूल्यांकन किया जाता है। एक का उद्देश्य परमार्थ है, दूसरे का उद्देश्य स्वार्थ है। स्वार्थी कहीं सम्मान नहीं पाता है, परमार्थी कहीं अपमान नहीं पाता है। परमात्मा की दृष्टि में ऐसे लोगों का क्या मूल्य होगा जो केवल अपने स्वार्थ को जानते हैं। सच्चाई को देखो, वहां पर उसका क्या मूल्य होगा, इस सच्चाई को देखिए। वहां तो कीमत जो चुकाता है वो केवल भावना के द्वारा ही कीमत चुकाता है। जब आदमी के सामने विभिन्न स्थिति आकर के बढ़ती है तो वो मजबूर करती है धैर्य को छोड़ने के लिए, और धैर्य छोड़ा नहीं, मानसिक संतुलन गया नहीं। आशा और पुरुषार्थ को छोड़ना आस्तिकता का सत्यानाश करना है, यानी कि आस्तिकता में आशा और विश्वास ही काम करता है। जिसे परमात्मा जैसी अनंत समर्थवान सत्ता के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, मैं अभी कौनिया क्षेत्र से आया था, कूड़ी में एक जगह मैं प्रोग्राम दे रहा था, तो एक कार्यकर्ता ने कहा कि हमारे घर में एक दिन बनारस का राजा भी आकर के बैठा था। मैं कह रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति को कुछ ही देर का भगवान के साथ बैठने का मौका मिल जाए तो क्या उसका जीवन धन्य नहीं हो जाएगा? और ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हमेशा ही भगवान रहता हो, उसका जीवन कैसा होगा? आशा और विश्वास के साथ जिया गया जीवन हमें उस अवस्था की तरफ लेकर के जाता है जिसको आत्म प्राण की अवस्था कहते हैं। आस्तिकता को छोड़ना ही हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वो व्यक्ति जो परिस्थितियों से डरेगा, सोच करके देखो,
वो क्यों निराशा और कातरता का प्रकट करेगा? धैर्य और साहस की सहज धारा उसके मन क्षेत्र में कैसे उठेगी? जब ये धारा हमारे मन क्षेत्र में निरंतर उठती रहती है, तो आप ऐसा ही समझना जैसे गर्म वायु को धकेल करके ठंडी वायु उसके स्थान को ले लेती है। आपको अपनी उपासना के द्वारा अंदर से शीतलता का भान होना चाहिए। आपको शांति सद्भावना अंदर से मिलनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको मिलती हैं तो समझना भगवान आपके जीवन में प्रवेश कर गए। जो आस्तिक हैं उनकी आशा कभी छीण नहीं हो सकती, वो केवल उज्जवल भविष्य पर ही विश्वास कर सकते हैं, अंधकार पर नहीं। अंधकार अनात्म तत्व है। आत्म प्राण व्यक्ति के चारों ओर प्रकाश केवल प्रकाश ही रहता है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश रहता है। और जो आत्म प्राण नहीं है उनके चारों तरफ अंधकार ही अंधकार भरा रहता है। उसे झुंझलाने और खिन्न होने की स्थिति बनी रहती है, परंतु जो ईश्वर के प्रकाश में रहता है कितनी भी कठोर परिस्थितियां उसके सामने आए उसको किसी से कोई दिक्कत नहीं होती, अर्थात उसकी आशा कभी छीण नहीं होती। आशा को छीण नहीं होने देना, उज्जवल भविष्य सदा उसके साथ प्रकाश के रूप में उसके जीवन पर छाया रहेगा। उपासना का ये पहला प्रतिफल है। उपासना का अब दूसरा प्रतिफल भी मैं कहना चाहूंगा। उपासना का दूसरा प्रतिफल है श्रेष्ठताओं की वृद्धि, क्योंकि परमात्मा समस्त श्रेष्ठताओं का केंद्र है और उसका जो सानिध्य है वो आत्मा को मिलता है और व्यक्ति के जीवन को दिन पर दिन उत्कृष्ट बनाता हुआ चला जाता है। भक्त को अपना भगवान सब में दिखाई पड़ता है, इसलिए वो हर किसी को अच्छाई के रूप में देखता है, हर किसी को अच्छाई के रूप में देखता है और उसकी चर्चा विचारणा करते हुए उसको आनंद और दूसरों के सद्भाव को बढ़ाता है। निंदा ईर्ष्या असुरता के दो प्रधान अस्त्र हैं। क्या कहा? निंदा ईर्ष्या असुरता के दो प्रधान अंग कहिए, कारण कहिए हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोनों दुर्गुण अपने अंदर देखें, क्या मैं ईर्ष्या करता हूं करती हूं? क्या मैं किसी की निंदा करता हूं करती हूं? तो ये असुरता के दोनों प्रधान कारण हैं। अच्छा, करता कोई नहीं है, वो अंदर से ही पैदा होता है, एक हुक पैदा होता है। इनका प्रयोग उसी पर किया जा सकता है जिसके प्रति परायपन का भाव, शत्रुता का भाव बना रहे, वहीं पर इनका प्रयोग होता है। जब सब अपने हैं तो अपनों की निंदा कैसे की जाए, अपनों से ईर्ष्या कैसे की जाए? फिर नहीं कर सकते। बुराई को तोड़ने के लिए नहीं,
अच्छाई को बढ़ाने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। अच्छाई को बढ़ाना है, बुराई को तोड़ना है। अच्छाई बढ़ेगी तो बुराई अपने आप टूटती चली जाएगी। अगर बुराई को तोड़ते रहोगे तो बुराई और मजबूत होती चली जाएगी। बुरा व्यक्ति बुराई से अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है, परंतु ये नहीं जानता कि उस बुराई का प्रयोग करके और बुरा बनता हुआ चला जाता है। सदा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, प्रेम से दुष्टता को परास्त करना चाहिए। दुष्टता करके प्रेम के अंकुरों को जला देती है, दुष्टता प्रेम के अंकुरों को जला देती है। ऐ सज्जनों का काम है कि आस्तिक असज्जन नहीं हो सकता, आस्तिक असज्जन नहीं हो सकता। प्रेम, करुणा, आत्मीयता और सौजन्य की अजस्र धाराएं परमात्मा से ही प्रवाहित होती हैं, प्राणी मात्र का पोषण करती हैं, संरक्षण और अभिवर्धन भी करती हैं। इन्हीं विशेषताओं के द्वारा वो अपने स्तर को ऊंचा करता है। ऐसे प्रभु के समीप बैठने वाले, उपासना करने वाले में वो विशेषताएं अपने आप अवतरित होती हुई चली जाती हैं। अपने भाई बहनों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति अनंत करुणा और आत्मीयता की भावनाएं उपासक के अंतःकरण में उद्भूत होती हैं और कर्म के माध्यम से उनके जीवन में वो चरित्रार्थ होती हैं। जीवन को यशस्वी बनाना और मन क्षेत्र में उस स्थिति को पैदा करना, धारण करना और उस स्थिति का अनंत अनुभव करना, ये साधक के गुण होते हैं। परमात्मा की उपासना का प्रतिफल पाने के लिए प्रतीक्षा तो करनी पड़ती है। कई व्यक्ति पुरुषार्थ के मूल्य को मिलने में जो देरी होती है या भौतिक अड़चने आकर के सामने खड़ी होती हैं, उनके मूल्य को ना चुकाने पाने के कारण वो भटक जाते हैं। क्षेत्र चाहे भौतिक हो या आत्मिक हो, दिक्कतें दोनों क्षेत्र में आती हैं। उनका सामना हमको करना ही पड़ेगा। जो उस कसौटी पर खरा उतरता है वही पार लगता है। जिन्हें प्रेम और उत्कर्ष की उच्च भावनाओं से प्रेरित होकर के प्रभु के चरणों में बैठने की आकांक्षा है, उन्हें अपने प्रियतम का प्रेम प्रतिपादित करने में क्षण भर की भी देर नहीं लगती है। ऐसा प्रेम प्रतिपादित होता है जो हर सीमाओं को तोड़ करके व्यक्ति को ऊंचा उठाता हुआ चला जाता। उसके सामने कोई बंधन नहीं टिक सकता। इसलिए ऐसा व्यक्ति भावनात्मक क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। उपासना, उपासना को कहते हैं। वासना की आग बुझाना उपासना नहीं है।
आत्मा अपनी परमात्मा के सम्मुख जो उसकी उद्गम सत्ता है उसके सम्मुख जाकर के अपने अंदर आत्म प्राणता को जागृत करती है। उपासना और आत्म शांति एक ही स्तर पर एक ही चेतना के दो पहलू हैं। जब आत्मा अपनी परमात्मा के सम्मुख होगी तो निश्चय ही उसे प्रकाश मिलेगा। मैं कल एक बच्चे को देख रहा था जो अपनी बुआ की गोद में था। वो रो रहा था, मां पीछे थी और वो अपनी मां को पुकार रहा था। मुझे उसकी आवाज को सुनकर के ऐसा लगा कि मां मुझे ले ले, क्या तू इतनी कठोर हो सकती है। उसके विचार का संप्रेषण का भाव कुछ इस तरह का था। वो मां की ममता को प्रभावित कर रहा था और मां की ममता उससे प्रभावित होकर के नायास ही उसे अपने गले से लगाने के लिए ललायित हो पड़ी। परमात्मा का प्रकाश आत्मा पर पड़ने पर आत्मा और परमात्मा के बीच में भी ज्ञान की स्थिति कुछ इसी तरह की हो जाती है। आत्मा भी अपने सच्चित और आनंद स्वरूप को एक साथ प्रकाशित करती हुई चली जाती है। ऐसे प्रकाशवान जीवन में नर नारायण का मिलन होता है। पुरुषोत्तम की पुरुष से पुरुषोत्तम की भावना जागती है। आत्मा से परमात्मा की प्रत्यक्ष प्रणीति दृष्टिगोचर होती है। इसलिए उपासना को मानव जीवन की सर्वोपरि बुद्धिमत्ता कहा जा सकता है। वास्तविक दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक ही बात का पता लगता है कि स्थूल कलेवर मात्र है। जैसे हमने शरीर पर कपड़ा धारण कर रखा है ऐसे ही जीव आत्मा ने शरीर के आवरण को पहन रखा है, या कहिए ईश्वर ने उसको आवरण दे रखा है। परंतु जीव तो जीव से ही अपनी शक्ति को पाता है। जो कुछ भी क्रियाकलाप करता हुआ व्यक्ति दिखता है वो सब सूक्ष्म शरीर का प्रभाव है जो स्थूल के अंदर उतरता है। समझ ना होने के कारण उस आधार को समझ नहीं पाता जिसके आधार पर ये जीवन प्रकट हो रहा है। कलेवर के भीतर जो वास्तविकता छुपी हुई है, जो सारस्वत है, सूक्ष्म है, उसको व्यक्ति की बुद्धि पकड़ नहीं पाती। पूर्णता इसी में है कि हम उस गुण को पकड़ें। अभ्यास से, प्रयास से धीरे धीरे हमें समझ आएगा। आप लोग देखते होंगे खेत में बीज पैदा होता है और पौधा पैदा होता है।
पौधा भी जमीन से रस को खींचता रहता है, परंतु बाली के अंदर फिर से वो बीज पैदा करता है और उस बीज का पोषण करता रहता है। पक जाने पर किसान उसकी मंडाई करता है, छिलके को हटा लेता है और बीज को सुरक्षित ले लेता है। जो बचा हुआ छिलका है वो पशुओं के काम आता है, परंतु सच्चाई ये है जो बीज है वो इंसान के काम आता है। इसलिए हम उस सत्य को समझें जिसके आधार पर हम अपने जीवन की वास्तविकता को समझ सकें। ये छिलका जो सूक्ष्म के ऊपर चढ़ा हुआ है स्थूल रूप में, ये एक दिन उतर करके बेनकाब कर देता है। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के पूर्ण विकसित हो जाने पर ये आवरण उतर जाता है, अपने आप उतार देता है और उस वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म शरीर जीवात्मा को पूर्ण विकास पाने के लिए अनेक बार स्थूल शरीर का कलेवर धारण करता है। जिस प्रकार वो प्रतीति होती है, उस स्थिति में पहुंचता है, उस स्थिति को अनुभव करता है, तो उसके बाद फिर शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उस आवरण को उतार देता है, फिर उसको शरीर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती है। उस समय पर चेतना शांत चित्त हो जाती है और पूर्णता यानी कि मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं। जो कहा है, यदि वास्तविकता पर विचार करोगे तो सूक्ष्म ही सब कुछ है, स्थूल नहीं। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।